अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम फादिम हुसैन है, मेरा ताल्लुक रामीन इंडिविजुअल्स प्राइवेट लिमिटेड से है। हम एक टर्नकी बेस्ड सॉल्यूशन कंपनी है, हम पूरे प्रोजेक्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा किसी को सिर्फ इक्विपमेंट यानी कि सोलर इन्वर्टर या फिर सोलर पैनल्स या बैटरीज चाहिए तो वो भी मैं कॉन्टैक्ट कर सकता है। और मेरी वेबसाइट भी www.ramineinnovables.com, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, प्लीज इसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको और इस तरह की वीडियोज बना के भेजता रहूँ। तो आज व्यूअर्स मैं आपको बताऊँगा, अगर हम नाइट्रॉक्स बिल्कुल जीरो लगाते हैं तो हमें उसमें क्या क्या करना पड़ता है। मैंने एक नाइट्रॉक्स लगाया सिर्फ आप लोगों के लिए, यहाँ पे लगा नहीं होता वैसे, और मैं दिखाता चलूँ आपको। इसके अंदर मैंने चार बैटरीज लगाई हैं और अब हम इन्वर्टर को ऑन करते हैं। तो सबसे पहले तो जब हम बैटरी लगाते हैं तो ये ऑफ होता है। आपने नीचे से इसका बटन दिया होता है, इसको आपने ऑन किया, ये नीचे इसका बटन है, आपने इसको ऑन किया, थोड़ी देर में ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन इसकी ऑन हो चुकी है, अब ये ऑफ पोजिशन में। यहाँ पर बैटरी इसका रेड कलर का साइन ब्लिंक कर रहा है, इट मीन्स कि बैटरी इस पर कनेक्टेड नहीं है। और सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे, बैटरी सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर आप एक्टिवेट बैटरी करेंगे और इसको ओके कर देंगे। तो ये देखें, जैसे हमने इसको ओके करा इसने बैटरी को सेंस कर लिया और इसने बैटरी उठाना शुरू कर दी। इस पर ग्रिड नहीं है, मैंने ग्रिड और सोलर और लोड नहीं लगाया, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए क्या क्या सेटिंग्स होती हैं इसके अंदर। तो जब आप बैटरी सिलेक्ट करें तो मैं आपको एक चीज़ और बताता फिरूँ कि बैटरी सेटिंग्स में जाके आपको बैटरी के एम्पेयर भी बताने पड़ते हैं। अच्छा, आज मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उनका कहना था कि जी मैं बैटरी सिलेक्ट करता हूँ मगर ये ऊपर नीचे नहीं होते। तो यहाँ से अगर आप ऊपर नीचे करेंगे तो ऊपर नीचे नहीं होंगे, आपने सेलेक्ट करके यहाँ से करना है। ये इसके अप एंड डाउन की कीज़ हैं, आपने डाउन किया और आप देखेंगे बैटरी के एम्पेयर चेंज हो रहे हैं। तो मेरे पास 200 एम्पेयर की बैटरी है तो मैंने इसको 200 एम्पेयर सेलेक्ट करना है, ये लाजमी आपने सिलेक्शन करनी होती है। 200 एम्पेयर हो गया, आपने ओके कर दिया। अच्छा, अब एक और चीज़, एक और मेरे पास पिछले दिनों एक प्रॉब्लम आई थी। एक क्लाइंट ने क्या किया था, मैक्सिमम एम्पेयर डिस्चार्ज को जो है इसने चेंज करके ना 40 एम्पेयर की जगह इसने जो है वो 16 एम्पेयर कर दिया। तो उससे होता ये था कि ये लोड पूरा नहीं उठाता। देखिए, मैक्सिमम जो इसकी चार्जिंग के वो हैं डिस्चार्ज रेट, वो आपको वही सेट करना है जो आपका लोड है, और आपको सेट वैसे करने की जरूरत नहीं। 40 एम्पेयर प्री सेट आता है पीछे से ही है, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 48 वोल्ट तो 4460, तो आप इसको जितना एम्पेयर देंगे उतना ही ये डिस्चार्ज करेगा। अब आप मिसाल के तौर पर अगर आप लोड देते हैं इसको, लेट सपोज मैं कहता हूँ आपने इसको बताया कि मेरा 4000 वाट का लोड बैटरी से निकल सकता है, तो आपने 4000 और डिवाइडेड बाय आपकी बैटरी है 48 वोल्ट की, तो आपने किया तो ये देगा आपको 83 एम्पेयर। तो यहाँ पर आप इसको 83 एम्पेयर सेलेक्ट करेंगे। देखिए, मैं एम्पेयर सेलेक्ट कर रहा हूँ, 83 एम्पेयर का मतलब है अब ये 5000 वॉट तक का लोड बैटरी से उठा सकता है। दैट्स 83, इसको मैंने स्टोर कर दिया। अच्छा, चार्जिंग एम्पेयर भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आप डिसाइड करेंगे आपकी बैटरीज कितनी है। 10% आप चार्जिंग रखेंगे, अगर आपकी 200 एम्पेयर की बैटरी है तो आप इसको 20 एम्पेयर रखेंगे, मैक्सिमम 30 पे जा सकते हैं, 40 पे मत जाइएगा। अब मैं इसको कर देता हूँ 20 एम्पेयर, ये हो गया 20 एम्पेयर। ये तो था इसका बैटरी का सेक्शन, अब आपने इसको स्टोर कर दिया, अब ये आपकी बैटरी के हिसाब से चलेगा। अच्छा, प्लस अब बैटरी के अंदर हम इसकी, क्योंकि आज मैं सिर्फ नाइट्रॉक्स की बैटरी के बारे में ही डिफाइन कर रहा हूँ, अब आप इसकी सेटिंग्स में गए, बैटरी सेटिंग्स में आए, अब इसके नीचे जो हमने स्टोर किया था वो तो आ रहा है, अब इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आएगा कि आपकी ग्रिड चार्ज कब स्टार्ट होनी चाहिए। तो आप वो भी कर सकते हैं कि 30% पे ग्रिड डिस्चार्ज चार्ज हो और कितने एम्पेयर से चार्ज हो, ग्रिड सिग्नल, ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। अगर आपने ग्रिड चार्ज को एक्टिवेट कर दिया तो फिर आप यहाँ सेट कर सकते हैं कि जी मेरी ग्रिड जो है इतने में चार्ज होनी चाहिए, यानी कि मेरी बैटरी जो है वो 30% तक चार्ज हो, 40 एम्पेयर से चार्ज हो या 100% चार्ज हो, ये सब कुछ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अब आ जाता है बैटरी के वोल्टेजेस, तो यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं कि फ्लोटिंग वोल्टेज क्या होंगे, एब्जॉर्प्शन क्या होंगे और इक्वलाइजेशन क्या होंगे। फ्लोटिंग वोल्टेज एब्जॉर्प्शन वो होते हैं जो आप स्टार्टिंग में बूस्ट वोल्टेज जिसे कहते हैं, लेट सपोज अगर एक बैटरी आपकी 14.2 तक जानी है तो 14.2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 56.8, यहाँ पे 57.6 सेलेक्टेड है ऑलरेडी, तो 57.6 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, यानी ये बैटरी को 14.4 तक लेके जाएगा जो कि स्टार्टिंग में इसकी बूस्टिंग चार्जिंग होगी। वंस ये लेवल 14.4 को रीच करेगा तो उसके बाद वो बैटरी को फ्लोटिंग पे ले जाएगा, फ्लोटिंग इज 55.2 डिवाइडेड बाय 4, तो 13.8 ड्राई बैटरी हो या लिक्विड बैटरी हो 13.8 इसके फ्लोट वोल्टेज होने चाहिए, यानी कि 13.8 तक बैटरी को मेंटेन रखेगा। अच्छा, ये है एक इक्वलाइजेशन वोल्ट। इक्वलाइजेशन वोल्ट क्या होते हैं, बड़े लोगों का सवाल आया है। इक्वलाइजेशन वोल्ट ये होते हैं कि अगर आपका कल को कोई एक बैटरी का सेल कम वोल्ट दे रहा है एक ज़्यादा दे रहा है तो ये 1 से 90 डेज बैटरी को इक्वलाइजेशन पोजीशन पे लेके जाता है ना, कंटिन्यूस ये इतने वोल्ट देगा ताकि आपके सेल्स जो है वो इक्वल हो जाएं। और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि इक्वलाइजेशन डेज क्या है, 90 डेज बात करना है, 50 डेज बात करना है, हर चीज़ सिलेक्टेबल है। 20% पे आप बैटरी शट डाउन कर सकते हैं, लो बैटरी का अलार्म 35% पे आएगा, 35% पे जब आपकी बैटरी होगी तो ये अलार्म करना शुरू करेगा कि आपकी बैटरी लो हो चुकी है।
20% पे आके बैटरी को बंद कर देगा, और वंस आपकी बैटरी दोबारा चार्ज हो गई तो 50% पे जाकर दोबारा से ये इन्वर्टर को स्टार्ट कर देगा। तो ये तो थी इसकी बैटरीज की चीज़ें, और इसके बारे में आपको बताता चलूँ, इसमें आप कोई भी बैटरीज लगा सकते हैं, आप 100 एम्पीयर की, 200 एम्पीयर की, 400 एम्पीयर की, 200 कोई भी बैटरीज यूज़ कर सकते हैं। तो ये आज मैंने आपको बताया था बैटरीज के बारे में, तो उम्मीद है मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इसी तरह की नाइट्रॉक्स की और बहुत सारी वीडियोज मेरे पास आप लोगों के लिए हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, अल्लाह हाफिज़।